आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या सूचनेनुसार श्रीनंद पटवर्धन यांनी उच्च न्यायालयात पनवेल महापालिका स्थापन करण्याबाबत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने 23 ऑगस्टला निर्णय देऊन शासनाला 7 दिवसात पनवेल महानगरपालिका स्थापन करण्याबाबत योग्य ती अधिसूचना निर्गमित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार अधिसूचना काढण्यात येऊन 1 ऑक्टोबरला पनवेल महानगरपालिका अस्तित्वात आली. परंतु त्यापूर्वी खारघर ग्रामपंचायत व युनायटेड खारघर यांनी खारघरचा महानगरपालिकेत समावेशास हरकत घेतली व शासनाची अधिसूचना फेटाळण्याची विनंती केली. त्याचप्रमाणे तळोजा येथील व्यक्तींनी तळोजाच्या समावेशासही हरकत घेतली होती. याबाबत त्यांनी न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. सदर प्रकरणात न्यायमूर्ती रणजित मोरे व अनुजा प्रभू देसाई यांनी निकाल जाहीर केला व महानगरपालिका स्थापनेच्या अधिसूचनेस हरकत उपस्थित करणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. खारघर शहरासह परिसराचा पनवेल महानगरपालिकेतील समावेशाला विरोध करणाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने मोठी चपराक दिली आहे. पनवेल महानगरपालिकेत खारघरसह परिसराचा समावेश करण्यात आलाय. त्याबद्दल भाजपातील खारघरवासियांनी फटाके व मिठाई वाटून आनंदोत्सव साजरा केला. याबद्दल अधिक माहिती भाजप खारघर शहराध्यक्ष ब्रिजेश पटेल यांनी दिली. सबसे पहले तो हमारे रायगढ़ जिला के अध्यक्ष और आमदार प्रशांत ठाकुर ने संकल्प किया था कि सिडको के माध्यम से अपने पूरे पनवेल विधानसभा के जुड़े जो भी शहर है उनका विकास नहीं हो रहा है, जो झड़प लोगों को चाहिए वो झड़प नहीं मिल रही थी. तो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था कि हम लोग पनवेल महानगर पालिका बना के ये गति बढ़ाएंगे. वो गति के माध्यम से आज सरकार ने जो डिसीजन दिया था कि हम लोग खारघर कमोठा कलम्बोली मिला के महानगर पालिका बनाएंगे, वो सरकार ने उसका डिसीजन लिया. और काफ़ी विरोधियों है जो विरोधी जो वो चाहते नहीं थे खारघर का विकास हो, तो वो PIL के माध्यम से वो अड़चने पैदा कर रहे थे. उसका कोर्ट ने आज डिसीजन दिया है और सरकार कोर्ट ने वो डिसीजन दिया है कि आपकी जो डिमांड है वो गलत है, खारघर पनवेल महानगर में शामिल होना चाहिए. आज कोर्ट ने डिसीजन दिया है, उसका हम लोग खुशी मना रहे. पूरे भारतीय जनता पार्टी के खारघर के कार्यकर्ता खुश है कि जब खारघर पनवेल महानगर पालिका में जुड़ के वही खारघर का विकास आगे बढ़ेगा. जो सिडको ने विकास रोक के रखा था, आज वो विकास की गति बढ़ने वाली है. हम भी सब मिल के जुड़ के खारघर के विकास में जुड़ने वाले हैं. यही खुशी मनाने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए, बेड़े बांट रहे हैं और खुशी मना रहे हैं. यावेळी तालुका उपाध्यक्ष शंकर शेठ ठाकूर, OBC सेल तालुकाध्यक्ष विजय पाटील, अनंत तोडेकर, गीता चौधरी, दीपक शिंदे, मीना अडवाणी, साधना पवार यांच्यासह कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.